दिवसीय क्रिकेट मैच में 100 स्टंपिंग। स्टंपिंग का मतलब क्या होता है, स्टंप के पीछे जो खिलाड़ी खड़ा रहता है, जो गेंद पकड़ता है और थोड़ा सा वो बल्लेबाज अगर थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो क्या होता है, स्टंप में वो टच करा देता है तो आउट मान लिया जाता है। तो उन्होंने हाल ही में 100 स्टंपिंग करने का गौरव इनको प्राप्त हो गया है, खिताब अपने नाम दर्ज कर लिया है और जिन्होंने 100 स्टंपिंग ले ली है। तो ऐसे पूछ सकता है कि हाल ही में इन अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मैच में, अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वह प्रतिष्ठित खिलाड़ी कौन है जिसे 100 स्टंपिंग लेने का गौरव प्राप्त हुआ, जिसे 100 स्टंपिंग लेने का गौरव प्राप्त हुआ। तो आपका उत्तर क्या होगा, महेंद्र सिंह धोनी। पुरस्कारों की बात मैडम अभी नहीं करेंगे, अभी पुरस्कार जब आएगा तो बताएंगे। अच्छा, अब ये इसमें प्रश्न उठता है कि भाई महेंद्र सिंह धोनी ने 100 स्टंपिंग ले ली, अपने नाम ये खिताब दर्ज कर लिया, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के पहले ये खिताब किसको प्राप्त हुआ था? तो वो खिलाड़ी थे श्रीलंका के खिलाड़ी थे अखिला धनंजय। क्या नाम था उनका? अखिला धनंजय। अखिला धनंजय ये श्रीलंका के खिलाड़ी थे, धोनी से पहले ये गौरव जो है, मतलब धोनी से पहले लिख लीजिए, धोनी से पहले गौरव इनको प्राप्त है। इसके पहले मतलब अखिला धनंजय ने श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, श्रीलंका के खिलाड़ी इसके क्रिकेट के, श्रीलंका के खिलाड़ी किसके हैं, क्रिकेट के, और इन्होंने धोनी से पहले जो है 100 स्टंपिंग इन्होंने ली थी। मतलब इसके पहले कोई अभी तक 100 स्टंपिंग नहीं ले पाया था, मतलब भाई धोनी ने लिया। अब प्रश्न उठता है कि धोनी के पहले किसने लिया 100 स्टंपिंग? तो धोनी के पहले जो स्टंपिंग 100 स्टंपिंग लिया अखिला धनंजय, श्रीलंका के खिलाड़ी। अब इसी में एक प्रश्न और आ जाता है कि धोनी ने जो 100वां स्टंपिंग लिया वो किस भारतीय गेंदबाज की गेंद पर लिया है? धोनी ने जो 100वां स्टंपिंग लिया अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय मैच में, जो 100वां स्टंपिंग लिया वह किस भारतीय गेंदबाज की गेंद पर प्राप्त किया? तो यजुवेंद्र चहल, वो जो गेंद थी फेंका था किसने? यजुवेंद्र भारत की टीम थे ना, तो भारत क्या कर रही थी, फील्डिंग कर रही थी, मतलब बॉलिंग की तरफ भारत थी और दूसरी तरफ अपोजिट टीम थी। तो भारत क्या हुआ, यजुवेंद्र चहल ने गेंद फेंका और वो जो कहते नहीं स्ट्राइक पर जो बैटमैन था वो थोड़ा सा इधर उधर हुआ, तो उन्होंने क्या किया, वो टच कर दिया कि वो आउट मान लिया गया। तो गेंद जो थी किसकी थी, यजुवेंद्र चहल की थी। यहां पे लिख सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी ने गेंदबाज किसको कहते हैं, जो गेंद फेंकता है, जो गेंद फेंकने में माहिर होता है, बढ़िया गेंद फेंकता है, उसको गेंदबाज कहते हैं। बल्लेबाज कौन, जो बढ़िया खेलता है। तो महेंद्र सिंह धोनी ने यजुवेंद्र चहल गेंदबाज की गेंद पर अपना 100वां स्टंपिंग प्राप्त किया, 100वां स्टंपिंग। मतलब आपको घुमा के प्रश्न आ सकता है कि भाई महेंद्र सिंह धोनी को 100वां स्टंपिंग का गौरव प्राप्त हुआ तो गेंद किसने फेंका था? देखो भाई, जो मुझे पता है, जो पढ़ रहा हूं मैं आपको सब डिटेल बताऊंगा। अब क्या आ सकता है, करंट अफेयर में कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई कुछ भी भरोसा नहीं है। तो मैं करंट अफेयर का कोई भी कॉर्नर नहीं छोड़ने वाला, करंट अफेयर में पूरा आपका तैयार कराऊंगा और जो 30 नंबर का कंपटीशन आना है वो करंट अफेयर बिल्कुल आपको गलत नहीं होगा, क्योंकि बीच में मैं टेस्ट लेता रहूंगा इसलिए वो आपको करंट अफेयर याद होते रहेंगे और आप करंट अफेयर में आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप विश्वास के साथ परीक्षा में जाएंगे और बहुत ही अच्छा करेंगे, मुझे भरोसा है। उसके बाद मैं स्थिर
सामान्य ज्ञान पे आ जाऊंगा, जिसको बोलते हैं स्टैटिक जीके। बहुत ही जल्दी आने वाला हूँ, मार्च भर पूरा मैं करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, 15 दिन लगेंगे पूरे साल भर के करंट अफेयर पूरा करने में, और उसके बाद मैं अप्रैल में सामान्य ज्ञान पढ़ाना शुरू कर दूंगा। सामान्य ज्ञान मैं पढ़ाऊंगा और गोस्वामी जी, जितेंद्रनाथ गोस्वामी जी गणित लेके चल रहे हैं, गणित और अंग्रेजी के लिए हमारे पास एक और शिक्षक आ रहे हैं, एक्सपर्ट आ रहे हैं, वो हैं, वो भी गिरी जी ही हैं, और वो आ रहे हैं बहुत जल्दी, वो ज्वाइन करने वाले हैं हमारी टीम को, और वो आपको अंग्रेजी की कक्षाएं आपको देंगे, अंग्रेजी के बारे में आपको ज्ञान देंगे। मैं जो सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडी और करंट अफेयर का पोर्शन में पूरा मैं पढ़ाऊंगा आपको, आपसे वादा है। बाकी चीजें हमारी टीम के जो टीम पार्टनर हैं वो लोग डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान कौन हैं? भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान कौन है? थोड़ा सा टाइम देखते रहिए, कितने मिनट का वीडियो हो गया अभी, है टाइम 15 मिनट और है गोस्वामी जी का। कप्तान कह सकता है या कैप्टन कह सकता है, एक ही बात है, कौन है? देखिए करंट अफेयर में कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, एकदम आपको तैयार रहना। अमृतपाल सिंह, अमृतपाल सिंह, अच्छा अमृतपाल सिंह के नाम एक और खिताब दर्ज है। खिताब ये दर्ज है कि ऑस्ट्रेलियन राष्ट्रीय बास्केटबॉल, राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप, ऑस्ट्रेलियन राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप में सिडनी किंग्स की तरफ से खेलने का गौरव प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? यही है अमृतपाल सिंह, इनका नाम आ गया, इसमें पता गया है ये अमृतपाल सिंह, अमृतपाल सिंह। इसमें दो क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आ गए।
देखिए फीफा वर्ल्ड कप मैंने बताया था 2017, फीफा वर्ल्ड कप 2017 अंडर 17 मतलब 17 साल से कम उम्र के जो लड़के खेलते हैं उसमें फीफा वर्ल्ड कप 2017 में जिसका जो होस्ट था मेजबान देश था, इसको कभी कभी पूछ लेते हैं होस्ट करने वाला देश कौन, होस्ट होस्ट या मेजबान देश, ऐसे भी नाम बदल के पूछ सकते हैं, आपको घबराना नहीं, वही चीज पूछ रहे हैं मतलब कहां हुआ। तो मेजबान देश कौन है, होस्ट करने वाला देश का मतलब खेल को आयोजित करने वाला किसको जिम्मेदारी दी गई थी, तो भारत को दी गई थी और भारत ने बहुत अच्छे ढंग से खेल को आयोजित किया और बहुत से दर्शक देखने आए इस खेल को, अंडर 17 में बहुत आनंद लिए। इसलिए फीफा के जो प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो ने बहुत ही भारत की तारीफ की, कि बहुत ही प्रशंसा की भारत की, कि भारत ने अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप को बहुत बढ़िया ढंग से आयोजित किया, उसके लिए भारत की बहुत तारीफ की, क्योंकि बहुत ज्यादा दर्शक फीफा अंडर 17 फुटबॉल मैच का आनंद लिए, बहुत दर्शकों ने देखा और भारत ने बहुत अच्छे ढंग से उसको आयोजित किया। बहरहाल भारत जो है बुरी तरीके से पराजित हो गया, भारत हार गया था उसमें, ठीक है, लेकिन भारत हार गया था लेकिन भारत ने इस खेल को बढ़िया ढंग से आयोजित किया, इसलिए जियानी इन्फेंटिनो ने प्रशंसा की है भारत की, जो फीफा के प्रेसिडेंट है। फीफा का मुख्यालय कहां, मैंने बताया था ज्यूरिख में है, कहां पे है, स्विट्जरलैंड में। तो इसी क्रम में अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं कि वर्ष 2017 में लिखी, वर्ष 2017 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, वर्ष 2017 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस जगह पर आयोजित हुए, संपन्न हुए, वर्ष 2017 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। देखो एथलेटिक्स क्या है, एथलेटिक्स में क्या होता है, एथलेटिक्स में क्या होता है, दौड़ होती है, हैं? ऊंची कूद होती है, भाला फेंक होता है, तो जितने एथलेटिक्स होते हैं इंडिविजुअल इवेंट जितने होते हैं, इंडिविजुअल मतलब अकेला कोई व्यक्ति जो है जो अचीव करता है कि नहीं, तो इसमें जो होता है तमाम तरह के खेल होते हैं, तो एथलेटिक्स में बहुत से खेल होते हैं, तो एथलेटिक्स में आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं, एथलेटिक्स में जैसे दौड़ है, रेसिंग है, रेस है, ठीक है, और बहुत से खेल होते हैं एथलेटिक्स में, तो भाला फेंक है, ऊंची कूद है, लंबी कूद है नहीं, लॉन्ग जंप है, शॉर्ट जंप है, शॉर्ट पुट है, जेवलिन थ्रो है, तो सब एथलेटिक्स में आते हैं, तो उसमें अकेले व्यक्ति का जो भी गोल्ड मेडल मिलता है अकेले व्यक्ति को मिलता है। भारोत्तोलन है, भारोत्तोलन का अलग भी होता है लेकिन नहीं एथलेटिक्स में नहीं आता, तो एथलेटिक्स में ऐसे इंडिविजुअल इवेंट होते हैं, तो जो वर्ल्ड लेवल का पूरे चैंपियनशिप, वर्ल्ड पूरे विश्व स्तर पूरे चैंपियनशिप हुई वो कहां पे हुई, तब 2017 में, 2017 में जो हुई लंदन में हुई, लंदन क्या है, ब्रिटेन की, यूके की क्या है, राजधानी है, कैपिटल है। अच्छा अब ये प्रश्न उठता है